22 सितंबर को दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मोदी के दौरे के पहले ही दिन भर बीएचयू गेट पर कैंपस की लड़कियां अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी रही। कैंपस में रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि आते जाते लड़के उनके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करते हैं। छेड़खानी से परेशान एक छात्रा ने तो अपना सिर ही मुंडवा लिया। उसके समर्थन में साथ पढ़ने वाली सैकड़ों छात्राओं ने बीएचयू गेट पर जोरदार हंगामा किया। छात्राओं की माने तो कैंपस के बाहर लड़कों ने यहां पढ़ने वाली लड़कियों का जीवन बना दिया है। ये सभी लड़कियां नवीन छात्रावास में रह रही है। डीन से लेकर प्रोफेसर तक को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने इनकी एक नहीं सुनी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं की मांग है कि उनको सुरक्षा दी जाए और हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इसके साथ ही जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की मांग की है। बीएचयू के पीआरओ ने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा गंभीर मुद्दा है, इनके आरोपों की जांच करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। इससे पहले भी बीएचयू के छात्राओं ने छेड़खानी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑपरेशन।